नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी, आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल, कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह को जीत दिलाने के लिए उनके समर्थन में कांग्रेस के नेता हार्दिक पटेल द्वारा कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें हार्दिक ने कहा कि यह चुनाव देश के सम्मान का चुनाव है। कांग्रेस मुद्दों के साथ चुनाव में आई है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी देश को गुमराह कर रहे हैं। 5 सालों में मोदी जी ने अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं दिया है। मोदी जी से जनता उनके द्वारा किए गए वादों का हिसाब मांग रही है। वहीं उन्होंने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी पार्टी किसी की भी नहीं हुई, भगवान राम की भी नहीं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी में अगर हिम्मत हो तो वो वादों के नाम पर चुनाव लड़कर बताएं। हिंदुस्तान जातियों से बना है, सब जातियों को मजबूत और इकट्ठा होने की जरूरत है, तभी मेरा भारत महान कहलाएगा। सबसे पहला मुद्दा तो भारतीय जनता पार्टी ना आडवाणी की क्यों हुई, ना मुरलीमनोहर जोशी की, ना अटल बिहारी वाजपेयी की हो पाई। 32 साल से देख लीजिए, भगवान राम की भी नहीं हुई। दूसरी बात कि यहाँ से कैंडिडेट लाने का मतलब क्या है, तुम्हें यह मानता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान ने तय कर लिया है कि हमें ना नाथ ना जात ना धर्म में लड़ना है, हमें मुद्दों के साथ लड़ना है। लेकिन बीजेपी इस देश को धर्म के नाम पर बांटने का काम कर रही है, और इसीलिए जब ये बात होती है तो हमें सोचने की जरूरत है। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। पर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का, हम हैं आपकी आवाज़।